सो हेलो गाइज, माय नेम विजय, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं व्यू के वाई 21 के बारे में। इसमें अगर हैंगिंग प्रॉब्लम आती है, अगर फेस करते हैं हैंगिंग प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखो। गाइज, मैं इसमें कुछ टिप्स वगैरह बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने फोन को हैंग होने से बचा सकते हो। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखो और अगर हो सके इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो करके वहाँ भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इसके लिए गाइज क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रैम को डिक्रीज करना है, उसको घटाना है। रैम जितना ही स्पेस रैम में रहेगा आपका डिवाइस उतना ही स्मूथली वर्क करेगा। ये काफ़ी लोग जानते भी होंगे हो सकता है। तो अगर आप जानते हैं, अगर आपके रैम को इम्पटी करके रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आपका डिवाइस कभी हैंग नहीं कर सकता। और हैंगिंग के दो तीन तरीके बताऊँगा, दो तीन चीज़ों से हैंग होता है फ़ोन, और इसके सोल्यूशन भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले रैम को खाली करने का तरीका मैं बताता हूँ। नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग आती है, यहाँ पर स्पीड अप पे क्लिक करोगे तो इससे भी रैम इम्पटी होगी। दूसरी चीज़ जो हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं, इसे यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं क्लोज। ये हुई हमें रैम स्पेस देने की बात। एंड मैं दूसरी बात करता हूँ रोम स्पेस को, जो हमारा फाइल मैनेजर, इसको ओपन कर लेना। एंड इसके अंदर जो है यहाँ पर आपको ऑल फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर फोन स्टोरेज मिलेगा एंड एसडी कार्ड स्टोरेज मिलेगा। आपको फ़ोन स्टोरेज को मैक्सिमम 1 GB तक इम्पटी करके रखना है। कभी कभी हम लोग इतना यूज कर देते हैं, ऊपर रनिंग स्पेस दे देता है, एक गोल सा बन के आ जाता है कि उसके अंदर जो है डाटा बहुत सारे हो गए हैं, आप इसे इम्पटी करिए। तो ऐसा ना हो पाए अपने डिवाइस को ध्यान देना, इससे भी हैंग होता है फ़ोन और स्लो भी होता है। जाहिर सी बात है, जब उसे स्पेस नहीं मिलेगा तो चल नहीं पाएगा और फ़ोन डिवाइस हैंग और स्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो ये हुई दूसरी बार। एंड गाइज, तीसरी हम आपको बताने वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहो तो आई बटन को चेक कर सकते हो। गाइज, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अपने डिवाइस को रिबूट कब करते हैं, एक हफ्ते में एक बार रिबूट कर लेना चाहिए। जो छोटे छोटे बैग्स वगैरह होते हैं, कैच फाइलें इकट्ठा होती हैं और रिमूव हो जाती है, और ये भी एक फास्ट बनाता है आपके डिवाइस को। वो क्या होता है, पावर बटन को प्रेस करके रखे रहेंगे आप लोग, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पावर ऑफ का एंड रिबूट का ऑप्शन मिलेगा। रिबूट वाले पे क्लिक करना, सिंपली पावर ऑफ होगा, ऑन होगा। डेडिकेटेड वीडियो है, अगर देखना चाहो तो चेक कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया है इसे क्या काम होता है इसका। और गाइज, नेक्स्ट चीज़ हम बताते हैं, आप जब परचेस करते हो फ़ोन को तो ध्यान देना कि आपके स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो आप प्रोसेसर ले रहे हो वो काफ़ी लो है, उसके पास पावर ही नहीं है उतनी है, तो डेफिनेटली हैंग तो करेगा ही। तो इसलिए आप जब भी परचेस करें हो डिवाइस को तो ध्यान दो कि आपका जो प्रोसेसर है थोड़ा सा पावरफुल हो। तीन सभी चीज़ों का ध्यान दें। इसके अलावा आपको कोई एप्लीकेशन या फिर कोई भी सेटिंग ज़रूरी नहीं है करना कि जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। ये सब आप अपने रैम एंड रोम पे डिपेंड कर सकते हो। एंड सॉफ्टवेयर मेन इंपॉर्टेंट होता है कि कैसा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कितनी पावर है और रैम कितनी है उसके अंदर, ये सब सारी चीज़ें मैटर करती है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, अगर ये हेल्प करे आपकी डिवाइस को स्लो फास्ट करने के लिए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, कॉमेंट कर देना, और हो सके इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।